आज हम एक नया ग्राफ करेंगे। पहले वाले ग्राफ जैसा ही है। अब तक हमने पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्कस किया था। अब हम करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ सीधी सी बात है, इस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर लेंगे टाइम और वाई एक्सिस पर हमने क्या लेना है, स्पीड लेना है। स्पीड टाइम ग्राफ बनकर निकल कर आएगा, ठीक है। आप अक्सर देखते हैं, आप बाइक से चले, अपने घर से चले, तो जब आप अपने घर से चलते हैं तो कुछ और स्पीड होती है, आप सड़क पर आते हैं कुछ और स्पीड होती है, फिर कहीं आप मार्केट में चले गए तो कुछ और स्पीड चली गई, भीड़ भाड़ आई आपको स्पीड कम करनी पड़ी, सामने खुली सड़क है आप तेज चलेंगे। तो ओरिजिन से लेकर के फाइनल डेस्टिनेशन तक जो जर्नी है, इस जर्नी में लगातार स्पीड चेंज होती रहती, कहीं स्पीड ज़्यादा होती कहीं स्पीड कम होती है, बदलती रहती। वही स्पीड टाइम ग्राफ हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैं यहां लिखूं, आपने देखा टाइम जीरो पर किसी बॉडी की स्पीड जीरो है। ये स्पीड जीरो होने का मतलब क्या हुआ? स्पीड जीरो होने का मतलब हुआ क्या, जो हम पीछे वाला एग्जांपल कर रहे थे उसी एग्जांपल को मैं समझूं कि बिजली का खंभा ही और मैं यहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, जो बिजली का खंभा है रेफरेंस पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोल। ओरिजिन में इसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ओरिजिन। अब मेरा दोस्त यहाँ खड़ा हुआ मुझसे बात कर रहा था, ठीक है, बात पूरी हो, ये चल गया। तो जैसे ये चला, जैसे ये चला, मैंने अपना स्टॉप वॉच चला दिया, अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच चला दिया, तो टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर ये चल नहीं रहा था, इस बस टाइम जीरो पर इसने चलना शुरू करा, तो टाइम जीरो पर इसकी स्पीड कितनी, जीरो, ठीक। फिर जरा जल्दी में था ये, जल्दी में था ये, दौड़ के जाना चाह रहा था, कहने लगा भी मुझे बहुत जल्दी है, जरा जल्दी जाना आज, मैंने ठीक है जल्दी से जा। तो जैसे ही चला दो चार कदम तो कम स्पीड पे चला ही, फिर आगे चला तो इसने, इसको फील हुआ कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, इसने स्पीड बढ़ा दी, फिर यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पहुंचा, इसे फील हुआ कि भी नहीं मैं इतनी स्पीड पे नहीं पहुंचाऊंगा, ये तो दौड़ लगाने लगा। तो इसकी स्पीड लगातार चेंज होती चली आ रही है। मैंने देखा कि टाइम जीरो पर इसकी स्पीड जीरो है, जब मेरी स्टॉप वॉच में टाइम हुआ 5 सेकेंड का, तो मैंने देखा कि इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड, स्पीड का मतलब, स्पीड का मीनिंग क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा था। मैंने देखा पहले सेकेंड में उसने सिर्फ 1 मीटर डिस्टेंस कवर करी, अगले 1 सेकेंड में भी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करी, 5 सेकंड तक ये ऐसे ही चलता रहा। तो 5 सेकंड तक इसकी स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड है। 5 सेकंड बाद इसे ऐसा लगा एकदम से कि ये मेरी स्पीड कम है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तो इसने अपनी स्पीड बढ़ाई। फिर मैंने देखा कि 6 सेकंड में इसने स्पीड 2 मीटर पर सेकंड कर ली अपनी, थोड़ी तेज चलने लगा, तेज कदम से चलने लगा। 6 सेकंड पर भी मैंने देखा 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 सेकंड तक यही करने लगा। तो 10 सेकंड पर इसकी स्पीड कितनी, 2 मीटर पर सेकंड है ना। इस तरह से जब मेरी 15 सेकंड हुए मेरी घड़ी में, तो इसने 3 मीटर पर सेकंड पर चलने लगा ये। जब मेरी घड़ी में 20 सेकंड हुए तो ये 4 मीटर पर सेकंड पर चलने लगा। ये इसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली आ रही है। अब मैं इसे कैसे बनाऊंगा, मैं इस ग्राफ को कैसे बनाऊंगा,
एक्स एक्सिस पर मैंने लिया टाइम इन सेकेंड, ठीक है, वाई एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया, स्पीड, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ये लिखना जरूरी होता है, ये लिखना जरूरी होता है। तो मैंने यहां बना लिए, ये 5 सेकेंड का टाइम, ये 10 सेकेंड का टाइम, 15 सेकेंड का टाइम, 20 सेकेंड का टाइम, 25 सेकेंड का टाइम, और यहाँ जो स्पीड है, यहाँ स्पीड में बना रहा हूँ 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। तो स्टार्ट कहाँ से करूँगा, टाइम जीरो पर कितनी स्पीड थी, जीरो, 5 सेकेंड पर कितनी स्पीड थी, 5 सेकेंड पर स्पीड थी इसकी 1 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 5 सेकेंड से ऊपर और 1 सेकेंड के सामने ये पॉइंट लगाना होगा। फिर मैंने देखा कि 10 सेकेंड पर इसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, 10 सेकेंड पर स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे यहाँ 10 के ऊपर और 2 के सामने लगाना होगा स्पीड एक पॉइंट। फिर मैंने देखा 15 सेकंड पर कितनी स्पीड है इसकी, 15 सेकंड पर स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। तो मुझे क्या निशान लगाना होगा, कहाँ लगाना होगा डॉट, 15 के ऊपर मुझे एक डॉट लगाना होगा और 3 के सामने मुझे डॉट लगाना होगा यहाँ, और फिर 20 पे मैं देखता हूँ तो 4 है, तो मुझे 4 के सामने और 20 के ऊपर, 4 के सामने 20 के ऊपर मुझे लगाना होगा, और फिर इन सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा तो ये मेरा जो ग्राफ बनेगा, दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। और इस स्पीड टाइम ग्राफ में आप अगर देखें ध्यान से तो लगातार स्पीड बढ़ती चली आ रही है, लगातार स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती चली आ रही है। तो ये कैसा ग्राफ है जिसमें कि लगातार स्पीड कैसी है आपकी, इंक्रीजिंग है, लगातार स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती चली आ रही है, इंक्रीजिंग स्पीड है, ठीक है। लेकिन मैं अपने दूसरे दोस्त की बात करूं, दूसरे दोस्त की बात करूं, दूसरा भी दोस्त मेरा साथ था, वो भी यही बात कर रहा था खड़े में, ठीक है, दोनों एक साथ चलने लगे। पहले वाले को तो जल्दी थी, दूसरे वाले को नहीं थी जल्दी। मैंने देखा है दूसरा वाला जो है, इसने शुरू से ही यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 सेकंड पर तो स्पीड जीरो, फिर यहाँ देखा मैंने कि इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है 5 सेकंड पर, यहाँ फिर 10 सेकंड पर देखा मैंने तो भी 2 मीटर पर सेकंड है ना, और ये शुरुआत से इसने 2 मीटर पर सेकंड स्पीड ले ली। तो अगर मैं दूसरे दोस्त के लिए ये ग्राफ बनाने लगूं तो दूसरे दोस्त के लिए 0 सेकंड पर भी 2 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड पर भी 2 मीटर पर सेकंड, इस पर भी 2 मीटर पर सेकंड, इस पर भी 2 मीटर पर सेकंड, इस पर 2 मीटर पर सेकंड। तो मुझे ग्राफ कहाँ बनाना होगा, मुझे पहली कहाँ लेनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसने शुरुआत ही 2 मीटर पर सेकंड से करी, फिर 5 के ऊपर भी 2 मीटर पर सेकंड, फिर 10 के ऊपर भी यही, फिर 15 के ऊपर भी यही, और फिर 20 के ऊपर भी 2 मीटर पर सेकंड। तो लाइन कहाँ है ये मेरी, ये लाइन आ गई, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कैसी है, ना बढ़ रही ना घट रही। इसके अगेंस्ट अगर कोई लाइन नीचे की तरफ आ जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी कि स्पीड लगातार घटती चली आ रही है, स्पीड डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग स्पीड है, लगातार कम होती चली आ रही है, और ये पूरा का पूरा ग्राफ कहलाता है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। एक फैक्टर और देखिए ध्यान से आप, 0 से 5 सेकंड में, 0 सेकंड से 5 सेकंड तक स्पीड 0 से बढ़कर 1 मीटर पर सेकंड हो गई, 5 सेकंड से 10 सेकंड तक फिर स्पीड बढ़ी, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड, 5 सेकंड में कितनी बढ़ी, 1 से 2 हो गई, पहले 5 सेकंड में कितनी हुई, 0 से 1, कितनी बढ़ी, 1, नेक्स्ट 5 सेकंड में कितनी होगी, 1 से 2, तो इंक्रीज कितना हुआ, 1, नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 पर स्पीड थी,
10 सेकंड पर स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, और 5 15 सेकंड पर स्पीड है कितनी 3 मीटर पर सेकंड। तो कितना इंक्रीज हुआ यहाँ से, कितना इंक्रीज हुआ, 1 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में, 5 सेकंड में, हर 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है। तो ये जो लाइन है एक्चुअली ये इंक्रीजिंग स्पीड तो रिप्रेजेंट कर ही रही है, लेकिन इंक्रीजिंग स्पीड में भी कौन सी वाली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। स्पीड यूनिफॉर्मली भी इंक्रीज हो सकती, स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली भी इंक्रीज हो सकती है। ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड रिप्रेजेंट कर रही है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि स्पीड ना बढ़ रही ना घट रही, शुरू से ही एक सी है। 0 सेकंड पर भी 2 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड पर भी 2 मीटर पर सेकंड, 10 पर भी 2 मीटर पर सेकंड, 15 पर भी 2 मीटर पर सेकंड, 20 पर भी 2 मीटर पर सेकंड। तो कांस्टेंट स्पीड रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब मैं ढेर सारी लाइन बना रहा हूँ पहले वाले की तरह, जैसे हमने पहले वाले ग्राफ में बनाया था, एक ही ग्राफ के अंदर। टाइम लिया है सेकंड में, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर क्या ली है, स्पीड ली है मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहली लाइन में बना रहा हूं ये ए, ए लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है बताइए। ए लाइन रिप्रेजेंट, सर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड रिप्रेजेंट कर रही है ना, कांस्टेंट स्पीड। लेकिन एक बात और ध्यान रखो कि टाइम जीरो पर स्पीड जीरो नहीं है, टाइम जीरो पर भी स्पीड जीरो नहीं है, मतलब टाइम जीरो पर भी कुछ ना कुछ तो स्पीड है ही, है ना। कांस्टेंट स्पीड विद, बहुत ध्यान से देखना मैं लैंग्वेज क्या लिख रहा हूं, नॉन जीरो इनिशियल स्पीड। इनिशियल, इनिशियल का मतलब टाइम जीरो पर, इनिशियल का हमेशा मतलब होता है टाइम जीरो पर। टाइम जीरो पर भी स्पीड जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो हम इसे क्या कहते हैं, नॉन जीरो स्पीड, विद नॉन जीरो इनिशियल स्पीड। ठीक है, अब मैं दूसरा दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है बताइए, बी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्मली अभी तो डिस्कस किया था हमने। इंक्रीजिंग स्पीड। हाँ, ये इंक्रीजिंग स्पीड है, लेकिन इंक्रीजिंग में भी कौन सी है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड विद इसी इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी, इनिशियल स्पीड टाइम जीरो पर स्पीड कितनी है, जीरो, और फिर लगातार बढ़ती चली आ रही है। ठीक है, एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं सी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी बताओ, कौन बता सकता है सी लाइन क्या सर, यूनिफॉर्म। सर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, लेकिन सर जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन से दूसरा है। नॉन जीरो इनिशियल स्पीड। हाँ, प्रखर आप बताओ। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड विद नॉन जीरो इनिशियल स्पीड। यस, नॉन जीरो इनिशियल स्पीड है। ये जो आप स्पीड टाइम वो पोजीशन टाइम में ग्राफ में पहुंच गई आप जो है, किसने आंसर दिया था ये पहले, मुझे वर्णिका ने दिया था आंसर, किसने दिया था आंसर ये, यस सर। हाँ वर्णिका, आप ये जो स्पीड टाइम, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है। पोजीशन टाइम ग्राफ में यहाँ तब आप कह रहा था कि इनिशियली ये अपने ओरिजिन से आगे है, बियॉन्ड ओरिजिन से इसने मोशन स्टार्ट करा, लेकिन यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करा है लेकिन स्पीड इसकी जीरो नहीं है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज स्पीड है। सी रिप्रेजेंट करता है क्या, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड
है ना, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड विद नॉन जीरो, नॉन जीरो इनिशियल स्पीड। समझ आई इतनी बात? एक ग्राफ और बना रहा हूं, एक लाइन और बना रहा हूं, एक लाइन बिल्कुल यहां एक्स एक्सिस पर, बिल्कुल एक्स एक्सिस पर डी। ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बताए डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो स्पीड। जीरो स्पीड कब, कब? एट ऑल टाइम्स। फिर से बोलिए। जीरो स्पीड एट ऑल टाइम्स। एट ऑल टाइम, क्योंकि टाइम जीरो पर भी स्पीड जीरो, टाइम पांच सेकंड पर भी जीरो, टाइम दस सेकंड पर भी जीरो, टाइम हर जगह जीरो। जब स्पीड एट ऑल टाइम जीरो है तो फिर हम बॉडी को क्या कहते हैं, बॉडी का मोशन क्या कहलाए? सर बॉडी रेस्ट में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, बॉडी एट रेस्ट। अब यहां उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, पोजीशन टाइम ग्राफ में ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी बॉडी एट रेस्ट, क्योंकि पोजीशन नहीं बदल रही थी। यहां भी बॉडी एट रेस्ट थी, यहां भी बॉडी एट रेस्ट थी, लेकिन ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ है, यहां इसके मीनिंग बदल जाएंगे। समझ रहे बात? तो ये बॉडी एट रेस्ट हो गई, करेक्ट। एक ग्राफ और ड्रॉ कर रहा हूं, एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं, हालांकि इस तरह की लाइन कभी आपके सामने आएगी नहीं। ये ई क्या है बताओ? नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ये इंक्रीजिंग स्पीड है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब पहले स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, फिर तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो हम इसे बोलेंगे क्या होगा, ये बनेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक ग्राफ और ड्रॉ कर रहा हूं, फिर बताइएगा। एफ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। हाँ, स्पीड का घटना रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब टाइम जीरो पर स्पीड है, पांच सेकंड में स्पीड और कम हो गई, 10 सेकंड पर स्पीड और कम हो गई, 15 सेकंड पर स्पीड और कम हो गई, 20 सेकंड पर स्पीड और कम हो गई, और ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। तो हम इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे इसे? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर हुई सारी बातें? क्लियर? यस सर। ओके।